दुश्मन को शायद ये पता नहीं था कि हमने किस कौम को ललकारा है। फिर इस धरती के रखवालों ने, उस अजीम माओ के अजीम बेटों ने अपनी जान की परवाह न की हुए दुश्मन को वापस जाने पर मजबूर किया। आज के इस दिन जब पूरी कौम शोदा को खराज अकीदत पेश कर रही है, तो इस मौके पर 9 मई का वो दर्दनाक वाकया आज भी दर्द और तकलीफ की सूरत में हमारे दिलों में कायम दाइम है। और हम शोदा की फैमिलीज आज भी मुंतजर हैं कि कोई ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि ऑनवर्ड कोई भी शख्स शोदा की हुरमत पामाल करने से पहले हजार मरतबा सोचे। डिफेंस डे हम ये जो दिन मनाते हैं कि हमने, हमारे बड़ों ने कैसे एक बड़ा दुश्मन था उसके साथ लड़ाई हुई, और जो बहादुर सिपाहियों और बहादुर माओं के बेटों को ललकारा था, यह दुश्मन को पता नहीं था कि हमने किसको ललकारा है। तो ये दिन हमारे लिए एक अजीम दिन है। मैं जो उस दिन शहीद शोदा को भी मैं सलाम पेश करता हूँ जो 6 अक्टूबर को जो शहीद हुए थे। मैं मुल्क के तमाम शोदा गाजियों और उनकी फैमिली को सलाम और खराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने अपने जाने कुर्बान की, अपने बेटे भाई सुहाग कुर्बान करके मुल्क को आजाद रखा, हमें उन पर फख्र है।